करने वाले, हमें न्याय दिलाने वाले, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन, और जिन्होंने हमें एक नाम दिया, सरताज दिया, वाल्मीकि गुरु स्वामी को नमन। और मंचासीन मेरे प्रदेश अध्यक्ष भाई रोहित छात्रे जी, मेरे दादा श्री उमेश झा साहब और रामसेव कटारे जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी महापंचायत की। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, बोलना तो बहुत खुश था, बाकी मेरे बड़े भाई सचिन जी भदौड़ जी ने बता दिया कि 26 दिसंबर 2016 एक हमारा ऐसा दिन आया था जिसको हम सादात के रूप में अभी 26 दिसंबर 2017 को बनाएंगे इंदौर शहर में। एक पहला ऐतिहासिक हुआ था आंदोलन जिसके अंदर 15,000 जनता स्थापित हुई थी इंदौर शहर में, जिसने दिखा दिया था कि वाल्मीकि समाज कुछ है। जब इंदौर जैसी जनता को वहाँ पर वाल्मीकि समाज वो भी समाज को दिखा सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं। हाँ, एक छोटा सा मुद्दा है, सलमान खान शिल्पा शेट्टी वाला, आज बोलते हैं दिल्ली से सब कुछ चलता है तो यहाँ की समाज जागरूक क्यों नहीं है। हमारा सिर्फ आपसे इतना सा निवेदन है, दिल्ली महापंचायत, दिल्ली शहर के लोगों से, कि इस मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत को अपने दिलों में जगह दे और हम यहाँ पर सभी लोगों को उखाड़ के फेंक देंगे। आप हमारी पंचायत को जगह दे, उसके बाद देखे कि यहाँ के लोग नहीं आ पाएंगे जितनी हमारी मध्य प्रदेश वाल्मीकि पंचायत आ चुकी है पूरे प्रदेश लेवल से, मध्य प्रदेश से। और ये कारवा धीरे धीरे, एक कहते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप से कुछ नहीं होता जीवन में, और इसकी जीती और जागता कहावत है हमारे भाई रोहित छात्रे जी, आज ये ना होते तो हम यहाँ एक भी नहीं होते, क्योंकि कई हम सालों से कुचले जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और जो हमारे कई संगठन खड़े हैं, यार मैं तो बोलता हूँ नमन उन लोगों को, आज वो ना होते तो हम भी ना होते, ये मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत होती ही नहीं, क्योंकि अगर वो इतना अच्छा कार्य कर देते तो हमारी जरूरत पड़ती ही नहीं। हम मान सम्मान के भूखे नहीं है, हम किसी कार्यक्रम के भूखे नहीं है, ना हमें कोई हार पहनना ना स्वागत कराना, हमें सिर्फ हमारी समाज को शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देके एक झाड़ू प्रथा हटाना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमने बीड़ा उठाया है 2022 तक इंदौर शहर के लिए, कि हमारी समाज के अंदर जो कहते हैं ना कि जाति प्रथा प्रथादर चली आ रही है, बरसों चली आ रही है कि हमारे बाप दादा झाड़ू लगाई तब भी झाड़ू लगाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे डालना है। इसी कड़ी को हमारे इंदौर शहर के अंदर हमारे संरक्षक महोदय मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के अरविंद चावरे जी बाखूबी निभा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के नाम से, और कोचिंग ऐसी यूपीएससी एग्जाम की है, जिसके अंदर अभी तक 18 बच्चों को पुलिस की नौकरी दिला चुके हैं निःशुल्क, और वो अभी तो अपनी समाज के नहीं है, अपने समाज के तो मात्र 3 बच्चे, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं बाप माँ उनको झाड़ू पकड़ा देते हैं, चल बेटा मेरे काम पे, मैं खुद इससे जूझ चुका हूँ, मैं बीएससी फाइनल तक पढ़ा हूँ। जब मेरी माँ का ज़्यादा काम हो जाता था तो मेरी माता जी बोलती थी कि बेटा कल छुट्टी भी मत जा, कल स्कूल मत जाना, मेरे साथ काम करा लेना, मेरे वहाँ नाली गटर निकली बहुत ज़्यादा। ये सभी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बाकी मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, कंटिन्यूज रखा। आज मैं खुद आईफोन मोबाइल के अंदर बेंगलोर के अंदर खुद सेल्समैन था, सेल्स लीडर, टीम लीडर था, मैं टीएसएम पोस्ट पे था, टेरिटरी सेल्स मैनेजर। जब मेरी 3 साल पहले रोहित भाई साहब से बातचीत हुई, जब उन्होंने इस चीज़ का गठन करा था कि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत में गठन करना चाहता हूँ और जो भी युवा है वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आ गया है, मैंने बोला भाई साहब मैं भी इंदौर शहर से हूँ, हाल फिलहाल बेंगलोर में हूँ, जब भी आप मध्य प्रदेश में आओ एक बार इंदौर शहर आओ तो मुझे जरूर याद करना। आज उन्हीं का आह्वान है, उन्हीं के लक्ष्य कदम पे मैं अपनी जॉब छोड़कर सिर्फ समाज सेवा दे रहा हूँ इंदौर शहर में। और कुछ ना बोलते हुए पुनः धन्यवाद मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत।